बाबूजी से बहुत पुराना आपका साथ रहा हुआ है, लगातार बाबूजी के साथ इन्होंने काम किया है। और जैसे ही श्री संजय गुप्ता जी हैं, चायल मान चायल के माननीय विधायक हैं, वो भी आके बाबूजी को पुष्पांजलि करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना साथ रहा है बाबूजी का, जैसे ही हम उन्होंने स्वयं कहा करें हम तो भैया। आज से जिस मेयो रोड को आप सब जानते ना, उस मेयो रोड के नामकरण का निश्चय किया गया है। आज से ही वह बाबूजी चौधरी चुन्नीलाल मार्ग के रूप में जाना जाएगा। उसकी भी हम लोगों ने वहां सब व्यवस्था की है, लेकिन आज वहां लोकार्पित करने की दृष्टि से आज वहां कार्यक्रम सब तैयारी है, लेकिन मैंने कहा एक कार्यक्रम फिर किसी दिन अलग से हम लोग उसको करेंगे। मैडम थोड़ा सा कोविड में भैया थोड़ा सामने चलिए भैया। बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में, बहुत ही समाजसेवी के रूप में, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, जिन्होंने समाज सेवा में जीवन को समर्पित किया, ऐसे पूज्य बाबू जी जिन्हें हम लोग आदर से बाबू जी कहते हैं, लेकिन चौधरी चुन्नीलाल जी जिनकी आज 22वीं पुण्यतिथि थी, और मुझे आज पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बाबूजी के सुपुत्र और इस समय माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी और उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया, उनका धन्यवाद करते हुए यह सूचना देना चाहूँगा कि प्रयागराज शहर के अंदर जो अभी तक मेयो रोड के नाम से रोड जाना जाता था, आज से वह बाबूजी चौधरी चुन्नीलाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उस मार्ग में से ही चल करके मैं अपने निवास तक भी पहुंचता हूं, उसी मार्ग से चल करके लोग उच्च न्यायालय भी जाते हैं, उसी मार्ग से चल करके भी ही यहां जो महान बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जो सर्किट हाउस है वहां पर भी लोग जाते हैं। या पूरा एक तरह से कह लीजिए कि प्रयागराज जो आएगा उस मार्ग से होते हुए जाएगा, जो हमारे बड़े बड़े केंद्र, चाहे जी ऑफिस हो, चाहे बोर्ड का यूपी बोर्ड का कार्यालय हो, ये सारे केंद्र वहीं पर हैं। तो आज बाबूजी की पुण्यतिथि थी और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपने विभाग की ओर से, प्रयागराज वासियों की ओर से बाबूजी को यह विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां बाबूजी से प्रेरणा लें, इसलिए इस मार्ग का नामकरण किया गया है, जिसे आज से ही उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है और एक दिन अलग से कार्यक्रम वहाँ पर हम आयोजित करेंगे। धन्यवाद। आज बेली हॉस्पिटल में मेरे ससुर की, चौधरी चुन्नीलाल मेरे ससुर जी की 22वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हैं, उनको फल वितरण करते हैं मरीजों को। उनका यहाँ बेली हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने शायद वो 20 या 21 साल के थे, तब 2 साल वो हॉस्पिटल में रहे, तो उसके बाद वो इस हॉस्पिटल से उनका जुड़ाव था। और यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मरीजों को क्या परेशानी है, ये सब दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमेशा इस बेली हॉस्पिटल में फल वितरण करते हैं और मरीजों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज माननीय डिप्टी सीएम ने, केशव प्रसाद मौर्य ने ये घोषणा की है कि जो मेयो रोड है वो आज से चौधरी चुन्नीलाल रोड के नाम से जाना जाएगा। ये आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी बहाने हमारे ससुर को याद करती रहेंगी कि चौधरी चुन्नीलाल जी भी इस शहर की एक शख्सियत थे। मेरा नाम मधु चौधरी, मैं माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की पत्नी और चौधरी चुन्नीलाल जी की बहू हूँ, छोटी बहू। धनी हो
और इतनी प्रतिभा हो, इतने बड़े लोगों के बीच में बैठता हो, और उस समय मेरी आयु छोटी थी, राज्यसभा के जब सदस्य बने थे और छोटी आयु में मेरा संपर्क आया और संपर्क था। बाबूजी उस समय राज्यसभा के माननीय सदस्य थे, किसी कार्यक्रम की दृष्टि से मुझे की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी, प्रयागराज वासियों की ओर से भी और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी, आज से जिस मेयो रोड को आप सब जानते ना, उस मेयो रोड के नामकरण का निश्चय किया गया है, आज से ही वह बाबूजी चौधरी चुन्नी लाल मार्ग के रूप में जाना जाएगा। उसकी भी हम लोगों ने वहाँ सब व्यवस्था की है, लेकिन आज वहाँ लोकार्पित करने की दृष्टि से आज वहाँ कार्यक्रम सब तैयारी है, लेकिन मैंने कहा एक कार्यक्रम फिर किसी दिन अलग से हम लोग उसको करेंगे, लेकिन एक सहमत है, ठीक है ये निर्णय। देखिए ऐसे महापुरुष जिनका जीवन, मतलब आप समझिए एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता